I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का सुमेर साहब लोग्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ विक्कू मना के रूम में, महादेव जी की जो यहाँ पे स्थापना कर रखी है उन्होंने शिवलिंग की। तो ये विक्कू मना के रूम है, अभी वो नहीं है यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ घूमने, अभी शाम का टाइम हो गया है। तो चलते हैं, अपने दो बनावर है अपने साथ और एक फ्रेंड वहीं मिल जाएगा अपन को। तो चलते हैं फटाफट घूमने, काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है, काफ़ी सारा फन होगा। तो रेडियो में ना दो वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। बाकी अभी वॉलीबॉल का मैच चल रहा है बाहर हॉस्टल में। तो चलते फटाफट से घूमने ताकि लेट नहीं होंगे, और मिलते हैं आप लोगों का। क्योंकि वीडियो शानदार होने वाली, तो प्लीज़ एंड तक देखना, और पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, चलो लो, चलो निकालो बाइक को, चले अपना मेस। खाना वाना बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा लेट भी आ सकते हैं, पानी वानी पी लेते हैं और चलते हैं। जय माता जी का उगजा, चलो चलो चलो। अभी मैं गोदावरी धाम आया हूँ अमन को लेने, अमन भी आ रहा है अभी। तो पहले चमल गार्डन चलेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे गोदावरी धाम, जहाँ पे मंदिर 12 बजे होती है, रात को 12 बजे आरती होती है। यहाँ तक आने के बाद भी फ़ोन लगा रहा है बंदा, यहाँ पे आने के बाद जस्ट सामने तब भी। और भाई बॉडी गार्ड लेके आए तो साथ में तीन तीन आ गए चमल गार्डन। ओके टिकट कटवा लो, टिकट चार सख्त लौंडे। चल झूठा, वापिस भी नहीं दिया हरीश ने तो। ये तुला दे दिए गाल, आ जा। ओ भाई आग आग निकल रही है उसमें से, जब नाट दो। बजट भैया, बजट बजट नहीं अपना, बजट कभी नहीं होता वैसे। चिंगारियां निकल रही है भाई, मुझे भी पायलट बनना है। वाह क्या गाना चला लगा, पीछे अंकल का फोटोशूट चल रहा है। ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत छोटा सा है, बाकी खूब बड़ा है अभी। आओ देवना, आओ बैठो, राइडिंग वगैरह भी है यहाँ। ये सुसाइड पॉइंट, ऊपर जाओ यहाँ से, कूद जाओ। हाँ ये मस्त है, हाँ ये अच्छा था, ये बढ़िया था, ये भी बढ़िया है, लेकिन अपना नहीं है जो बनाए, छोटे बच्चों का ही। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ छोटी बच्ची है। कूदो कूदो वहाँ से, कूदो सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम। अजय बना हट जाते हैं यार अपन तो, ऊपर भी लास्ट कोना जाता है, चेक कर चमल गार्डन लास्ट कोना यहाँ का। अब यहाँ से शुरू होगा चमल गार्डन, आगे की तरफ फुल। हाँ रोहित नहीं नहीं, अरे भैया गाली नहीं, गाली नहीं, शॉर्टकट। चलो जी बना, अभी काफ़ी सारा बाकी है देखने कुछ। चमल गार्डन की सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ फोटो की, यहाँ से पूरा बैराज वगैरह थर्मल दिख जाता है सब कुछ। अरे अपने चीफ गेस्ट, तीनों चीफ गेस्ट भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये चमल गार्डन में है चौपाटी छोटी सी, ये भी अपने औकात के बाहर है, तो अपन इधर चलते हैं। मगर क्यों बढ़ रेट, और इस तरह पे नया वाला चमल गार्डन
ये पुराना है और इधर है नया, तो नए वाले में चलते हैं। ये नया वाला जिसके रोड की हालत ख़राब हो गई, और ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये बेस्ट है यार। हाँ यहाँ पहुँच गया हूँ अभी, ये सबसे टॉप में है यहाँ पे, और लाइटिंग वगैरह सब कुछ बेस्ट है, पूरे पे रोड बना हुआ है नाइट। हाँ उधर है कोटा जंक्शन, और पीछे सब स्कूल, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, हॉस्टल सब कुछ बने हुए हैं, थर्मल वगैरह सब कुछ। और ये भी यहाँ से अब चलते हैं नीचे, यहाँ से बाहर, और अब कहीं नेक्स्ट लोकेशन पे जाने का प्लान है। चलते हैं यहाँ से, पहले शायद मैं बाइक लेके आ जाता हूँ। अमन तू यहीं रुको, मैं बाइक लेके आऊँगा ना। अच्छा पास में ही क्या, चलो फिर यहीं से चलते हैं, बाइक बाद में ले लेंगे, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो चलते हैं मंदिर है तराई के बाला जी, इधर ही है ना। हाँ ठीक, दिखने में तो लगभग ये गोदावरी धाम की तरह लग रहा है, बाकी तराई के बालाजी का मंदिर अंदर। चलो आते वक्त रुक जाएंगे वहाँ तराई के बालाजी, पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अरे यार ये फेमस जगह है तो बहुत, ये लोकेशन जहाँ की काफ़ी सारी शॉट्स भी बनी हुई है, और चंबल के बिल्कुल जस्ट पास में, जस्ट बिल्कुल अड़ा के चट्टानों के ऊपर है पूरा मंदिर, ये शंकर भगवान का मंदिर। यार ये सांप रियल लग रहा है बिल्कुल। सही पकड़े हैं। नीचे चलते हैं, बिल्कुल चट्टानी चट्टाने यार यहाँ पे। ये नीचे बिल्कुल जस्ट उस बड़े शिवलिंग के नीचे है, ये ओल्ड शिवलिंग, और पीछे शंकर भगवान का मंदिर है आगे, और पीछे बालाजी का मंदिर है। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे तो बना रहा हूँ मैं वीडियो। वो नीचे वो बालाजी का मंदिर, ये शिवलिंग, इसके नीचे जस्ट शिवलिंग, और बिल्कुल ग्राउंड में है ये चंबल नदी, बाकी पूरा चट्टानी चट्टान पे बना हुआ है मंदिर। बस निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि अभी गोदावरी धाम भी जाना है और हॉस्टल भी निकलना है, फिर चलते हैं ये चट्टानी चट्टान पूरी तरफ यार, और बाहर निकलते हैं माता जी का मंदिर है एक, चलते हैं फटाफट से। ये माता जी का मंदिर, इस मंदिर से तो फ्री हो गए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर था, थोड़ा सा जल्दी आते तो और प्यारा बता पाता मैं। अब चलते गोदावरी धाम। हाँ गोदावरी धाम, हाँ कमल गार्डन से फ्री हो गए, अब गोदावरी धाम जा रहे हैं, बाइक को उठाते हैं वहाँ से और चलते हैं गोदावरी धाम। वहाँ पे आज तो रात की 12 बजे होगी, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे, हमें तराई के बालाजी, हाँ उसका वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स में मिल जाएगा, मेरे शॉर्ट्स वाले अकाउंट पर की वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, सुमेर साथ शॉर्ट्स के नाम से बायो में जाके देख लेना, मिल जाएगी अकाउंट की। बाकी थक गया यार, चलते हैं बाइक लेके उठा के गोदावरी धाम। ये अपनी बाइक उठा के चलते हैं गोदावरी धाम, फंक्शन चल रहा है गोदावरी धाम में अभी। आ गए गोदावरी धाम, चलते हैं अंदर, आरती तो 12 बजे होगी इसकी। सबसे पहले गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ लिखा होता है, इस बार राम राम लिखा हुआ है, जय हो गणेश जी महाराज की। पानी के हाथ पैर धो के और अब महादेव जी के मंदिर के लिए निकल चुके हैं, ऊपर मंदिर है बड़ा और नीचे महादेव जी मंदिर है, तो पहले महादेव जी के मंदिर पे चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैं पिछली बार आया था जब भांग से श्रृंगार हुआ था यार, इधर बैराज आ जाएगा सामने उधर, इतनी भी डिमांड मत मांगना कि हैंग हो जाए सिस्टम हैंग हो जाए। हर हर महादेव। अब मेन मंदिर में चलते हैं गोदावरी धाम के। दर्शन कर लिए, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज मना नहीं किया। बाकी ये मंदिर है प्यारा सा बजरंग बली का। चलो बालाजी का मंदिर बेस्ट मंदिर, राम भगवान का मंदिर भी उधर, और इधर गणेश जी का मंदिर, नीचे शंकर भगवान का मंदिर। ये कितना प्यारा लग रहा है मतलब यार ये गेट।
अमन को छोड़ने के बाद सीएडी सर्किल पे आ गए। सीएडी सर्किल पे भी ये नया बना है, कीर्ति स्तंभ शायद तक ये अशोक स्तंभ भी लग रहा है, कीर्ति स्तंभ शायद ये। तो बस यहाँ से चलेंगे अभी, थोड़ा बहुत कुछ काम भी है, उसके बाद पेट्रोल वगैरह भरवाने, हॉस्टल भी निकलना है। तो ये यार कोटा बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बाकी चलते हैं अब पेट्रोल पंप पे आए हैं पेट्रोल भरवाने। न्यू कार जस्ट पास में बाबू टी स्टॉल, यहाँ से कितनी लाइन लग रही है यार पेट्रोल के लिए। पेट्रोल भरवाते हैं और चलते हैं हॉस्टल। इसमें क्यों नहीं है भैया टेबल? नहीं कलर को ऐसे बता दो, आप ये थोड़ी टूटी हुई लग रही है यार यहाँ से। हाँ भैया ये कितने की? 300 रुपये स्टडी टेबल। भूख लग रही थी अभी तो रामपुरा में कचौरी ले लिया मैंने, कचौरी खा के अब निकलेंगे यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशन बना आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। केक काटना पड़ेगा अब आपको, चले हॉस्टल। रामपुरा से फ्री होके आ गए हॉस्टल, अपनी बाइक खड़ी यहाँ पे, रूम नंबर 22। अब कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, खाना वाना भी खा लिया सबने, और अभी मैं रूम के बाहर हूँ तो देखते हैं कि हॉस्टल वाले क्या कर रहे हैं अभी। ओम फो फड़ाई अनएक्सपेक्टेड। अरे मैया देख लियो। अरे वाह भाई की पढ़ाई चल रही है। और तो रात का टाइम हो गया है और कभी दिन मतलब दिन से घूमे आज काफ़ी सारे, और शाम को वॉलीबॉल भी खेल रहे थे, मज़ा आया। और अब कल का प्लान कुछ और रहेगा, तो बस आज के लिए इतना ही है आज का व्लॉग। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है, पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग प्यार बहुत ही कम बता रहे हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो बंदे नए हो उनको प्लीज़ बोल रहा हूँ कि यार दिल से सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री राम, बाय।